Come in. What is it? Ma'am, kuch aur deposits aaye. Good. Code crack kiya. What's the message? I think ma'am, ye code aap bhi crack nahi kar payenge. Ma'am, isme pehle ki tarah 3 digits nahi hai. To na column ka pata chalega, na words ka. Khali page number se hum code kaise crack karenge? Ma'am, Arjun ne baat karte karte bhasha badal di. Ab ye nayi bhasha hum kaise samjhenge? I'll handle this. तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगी. ओके मैम. मेरे वालिद प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के बड़े हिमायती थे, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम बेनजीर रखा. वो चाहते थे कि मेरा भी नाम बेनजीर भुट्टो की तरह हो, मैं भी उनकी तरह कामयाब बनूं. जब भुट्टो का कत्ल हुआ तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं एजेंसी ज्वाइन करूंगी. नियत सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करने का था. हर मुश्किल, हर परेशानी, हर आफत से हाथ में हथियार इसीलिए उठाए ताकि मेरे मुल्क की माओ की गोद सुनी ना हो सके. मकसद सिर्फ अपने पाकिस्तान की हिफाजत करना था, क्योंकि मुल्क मेरा भी उन्हीं हादसों का शिकार है जिनके लिए दुनिया हमें इल्जाम देती है. अगर हिंदुस्तान में मुंबई ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पेशावर में भी धमाके हुए हैं. बच्चे मेरे मुल्क के भी यतीम हुए हैं. हमने भी कई बचपन उजड़ता देखा है. मुंबई में अगर ताज जला है तो इस्लामाबाद में भी मैरिज तबाह हुआ है. और दर्द हमारे दिल में भी उतना ही है जितना तुम्हारे वतन के लोगों में है. पाकिस्तान की आवाम भी अमन चाहती है, मगर शायद हमने जल्दबाजी में कुछ ऐसे कदम उठा लिए. घर की निगरानी करने के लिए कुछ कुत्ते पाल लिए और अब वो कुत्ते बेकाबू हो गए और अब हर दिन अपनी गलती का जुर्माना भरते और शायद आगे भी भरते रहेंगे. मगर आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे एहसास दिलाया है कि अमन की आरजू करना एक बात होती है और उसे हासिल करना दूसरी. तुम और मैं अलग मुल्कों में रहते जरूर है, मगर दोनों मुल्कों पे आफत एक सी है. हाफिज सलीम जैसे दरिंदे ना किसी वतन के होते हैं और ना किसी इंसानियत के. उसे खत्म करके दोनों मुल्कों को मैं डर से आजाद करना चाहती हूँ. तुमने पहले अपना हथियार डाल के दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और अब बारी मेरी है.